नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सारा न्यूज में आपके साथ नेहा आई। बढ़ते हैं खबरों की शुरुआत। चंबल मार्ग निवासी भौरा समाज के मृतक व्यक्ति हुसैन कनीमुद्दीन निकला कोरोना पॉजिटिव। नागदा संवाददाता संजय शर्मा। 29 अप्रैल को चंबल मार्ग पर रहने वाले भौरा समाज के हुसैन कनीमुद्दीन की उज्जैन के आड़ीगाड़ी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी, लेकिन अभी अभी तहसीलदार विनोद शर्मा ने बताया कि हुसैन की रिपोर्ट कोरोना कनीमुद्दीन आई है, जो कि एक चिंता का विषय है। 24 तारीख को हुसैन कनीमुद्दीन को उज्जैन में भर्ती करवाया गया था। नागदा स्वास्थ्य विभाग ने हुसैन कनीमुद्दीन को सांस लेने में तकलीफ होने के चलते उज्जैन आड़ीगाड़ी मेडिकल कॉलेज में रेफर किया था, मगर उपचार के दौरान उनकी 29 अप्रैल को मौत हो गई थी। प्रशासन ने उसकी रिपोर्ट का इंतजार था, जो कि पॉजिटिव आ चुकी है। चंबल मार्ग बनेगा तीसरा कंटेनमेंट एरिया। थाना प्रभारी शर्मा ने बताया कि चंबल मार्ग का दौरा कर एरिया चिन्हित कर कंटेनमेंट एरिया बनाया जाएगा। अब नागदा में इस समय नई दिल्ली पटेल गली चंबल मार्ग सहित कंटेनमेंट एरिया होंगे।